Very warm welcome to all of you. Today's video is for trigonometry identities, है ना? आज के वीडियो में हम लोग trigonometry identities का questions बनाएंगे, है ना? Today we are going to solve questions based on trigonometric identities, है ना? तो हमारा जो chapter था trigonometric identities, है ना? trigonometry identities में हम लोग क्या क्या identities का relation देखे थे? पहला हम लोग देखे थे कि sin square theta plus cos square theta को जोड़ने पे 1 आता है, ठीक है? second 1 plus tan square theta is equal to sec square theta हम लोग देखे थे. third 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक? इन्हीं तीन रिलेशन का, ऐसे तो हम लोग टैन थीटा को हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं, ये रिलेशन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ रखे हैं, ठीक? उसके बाद कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने में, ठीक? तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो अगर हम यहाँ पे लें कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है ना? क्या करना है? प्रूफ डैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम LHS लेंगे. LHS हमारा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. यहाँ पे देखोगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड रिलेशन देखो, थर्ड रिलेशन में कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. मतलब इसका अगला स्टेटमेंट ये होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/ कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखाएगा, लिख सकते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो 1/ कॉस हम लोग जानते हैं साइन होता है, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया. तो यहाँ पे कौन सा हम लोग रिलेशन इस्तेमाल किए? सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन इस्तेमाल किए. यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? सिंस, है ना, 1/ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा, उस रिलेशन का इस्तेमाल किए. अब देखो कि ये सम है, क्या है? सम है साइन और कॉस का. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये किसके बराबर होगी? RHS के. तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया कि प्रूफ डैट कॉस स्क्वायर थीटा. इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो यू हैव टू चेंज एंड देन प्रूफ इट, है ना? मतलब कि हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? 1 आएगा, ठीक. सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमारा है सेकेंड प्रूव डैट 1-cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? हमको क्या प्रूव करना है? 1-cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देखो 1-cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा. क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा. ये हमारा LHS है, है ना? अब साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 1 होता है. ये RHS के इक्वल हो गया. तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, लेवल 1, मतलब कि बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है.
अब यहाँ देखो, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं फ्रॉम रिलेशन वन, है ना। तो ये हो गया सेकेंड। थर्ड में आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कहता है प्रूव दैट रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, है ना, प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपका आर एस अग्रवाल में भी ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे कि क्या है सेक स्क्वायर थीटा और क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस हमारा क्या है, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे देखो रूट ओवर में हमारा क्या है, टैन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है प्लस वन, और वन को जोड़ने पे क्या आता है, टू आता है। टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। अभी कहिएगा कि ये अब कहाँ से आ गया, टैन थीटा और कॉट थीटा कहाँ से आ गया। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कहाँ से आया, सिंस टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, वन होता है। तो टू में हमारा क्या है, वन मल्टीप्लाइड है, तो वन के जगह पर हम क्या लिख दिए, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। आप कहोगे कि आप कैसे पता चल गया, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आना चाहिए ना, तो टू है ए बी नहीं था, तो ए के जगह पर टैन था और बी के जगह पर कॉट था, तो हमने क्या किया, टू ए बी मतलब टू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इसको इस फॉर्म में लिख दो, जैसे टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक, हम इस फॉर्म में लिख दिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, हमारा प्रूफ हो गया आरएचएस के को। ठीक है, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे वन के जगह पर हमको क्या पुट करना है, ये नोन है, ए और बी के जो वैल्यू रहेगा उसको पुट करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। हमको मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने लिख दिया और स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होके हमारा आर एच एस के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, है ना, इन प्लस कॉट थीटा। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो हमको ये प्रूव करना है, प्रूव डैट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस को मूव करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, मतलब आगे की ओर बढ़ाएंगे, है ना। तो हमारा एल एच एस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा। देखो साइन थीटा का तो कोई फार्मूला हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे देखो कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
तो हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं इस्तेमाल करना, हमको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इस्तेमाल करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इस्तेमाल करने के लिए ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, हम साइन थीटा को टैन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को कॉट थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो डिनोमिनेटर में अगर कोई पार्ट है तो उसको रेशनलाइज हम लोग कर देते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो वन प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी क्या होगा, वन प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ में आई, हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, रेशनलाइजेशन, ठीक, रेशनलाइजेशन प्रोसेस कर दिया। यहाँ पे देखो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा किस से, वन प्लस कॉस थीटा, और नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा क्या है, ए माइनस बी है, और ये क्या है हमारा, ए प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अब देखो वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हमारा है साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा ये है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, मतलब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो साइन स्क्वायर, इसका मतलब कि दो बार साइन है तो एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचा वन प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा, साइन थीटा, ठीक। इसको हम तोड़ सकते हैं अलग अलग, जैसे वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक। हम लोग रिलेशन पढ़े हुए हैं कि वन बाई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, और ये किसके बराबर है, आर एच एस के, ठीक है। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज प्रूफ हो गया कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक। ये बात समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रूव डैट टैन थीटा माइनस कॉट थीटा है ना इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक नहीं कॉस थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि टैन थीटा को कॉट थीटा से माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमको वैल्यू इतना आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को लेते हैं, टैन थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टैन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ देखो एलसीएम हम ले सकते हैं, एलसीएम लोगे तो प्रोडक्ट होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर कोई कॉमन नहीं है तो छोड़ के हम क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। अगर 3 और 2 का एलसीएम निकालना होगा तो 3 2 जा क्या होगा, 6 एलसीएम होगा, ठीक है। उसी तरह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, एलसीएम, कॉस थीटा से जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा डिनोमिनेटर पार्ट को तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा, ऊपर जाएगा पहले से साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस जब साइन से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, कॉस, अब पहले से कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, लेकिन अब बताओ
आप लोग को लग रहा होगा कि सर अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता तो हम वन लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, आप आरएचएस में देखिए, आरएचएस में देखिएगा कि न्यूमरेटर पार्ट में कॉस थीटा नहीं है। आरएचएस में आप देखिएगा कि न्यूमरेटर पार्ट में कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा को रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय में क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये किसके बराबर हो गया बाबू? आरएचएस के। ठीक, तो इस तरह हमारा ये आइडेंटिटीज़ प्रूफ हो गया। क्या बोल रहा था? टैन थीटा माइनस कॉस थीटा करने पे ये आना चाहिए, हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ आएगा। ठीक, तो क्या क्या स्टेप हुआ? यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर पार्ट में कॉस नहीं था, तो इस कॉस को हटाकर हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। ठीक, आप बोलोगे कि कॉस को हम कॉट थीटा इंटू साइन थीटा क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे कॉट भी नहीं था, हमको सिर्फ ऊपर साइन था, इसीलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव भी हम समझ गए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट है। ठीक, ये प्रूव करना है इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सिक्स समझ में आया? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स? बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? LHS को फॉरवर्ड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन थीटा। जब भी डिवाइडेड बाय आए तो हम क्या कहें हैं? रेशनलाइज करने के लिए वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा से हम क्या कर दिए? रेशनलाइज कर दिए। ठीक, रेशनलाइज किए तो ऊपर क्या हो गया बाबू? देखो, वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया? वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाई, सॉरी, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कि स्क्वायर रूट में स्क्वायर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? वन माइनस साइन थीटा बाहर निकल जाएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब अलग अलग कर देंगे, वन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा बाय कॉस लिख सकते हैं ना, तो वन बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। ये हमारा आरएचएस हो गया, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा बन गया। ठीक, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। एट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा। ठीक, हमको क्वेश्चन नंबर
कह रहा है कि कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करने पे ये होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग LHS को लेकर मूव करते हैं, कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस सेक को 1/sin लिख सकते हैं ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखो कि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो का होल स्क्वायर है ना, सॉरी ये होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये बात लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये दो बार है ना, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है, नीचे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पे है ना, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इंटू में है तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अभी और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रूव दैट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा है ना, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cosec। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का अगर रेसिप्रोकल ऐड करते हैं तो इतना आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं LHS हमारा ये है, क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, LCM यहाँ लेंगे, तो LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा, इससे ये डिवाइड होगा तो साइन थीटा बचेगा तो ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन साइन कैंसिल आउट तो ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा लिखाएगा ही लिखाएगा, प्लस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा होगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, एक काम हम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या किए, एक साथ रख दिए ऊपर, प्लस में हमारा क्या बचा, 1 प्लस 2 cos थीटा बचा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1, और पहले से हमारा 1 है, प्लस 2 cos थीटा है डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, अगर हम 2 कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा है ना, और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 बाय साइन थीटा बचा, 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, और 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, जो कि हमारा RHS के इक्वल है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्लियर है, दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉसिक थीटा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। में फर्स्ट है कि कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना हमको। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, LHS हमारा क्या है कि कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा आप कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ भी आप क्या करिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा माइनस 1। अब कहोगे कि ऐसा आपने काहे लिखा, तो देखोगे कि हमारे RHS में कॉस थीटा नहीं है कहीं, क्या है, सारा साइन है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 और 1 कैंसिल आउट होके यहाँ पे बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अब सॉल्व करोगे, इनटू करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। इसको अरेंज कर लो, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये RHS के इक्वल होगी, है ना। बहुत बच्चा क्वेश्चन देख के ही घबरा जाएगा, अरे कॉस है या उधर पूरा साइन है, तो कॉस को सारा हम साइन में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 9 का देखते हैं। 4 थीटा है ना माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन टू द पावर 4 थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो LHS हम लेंगे, LHS हमारा sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन, तो ये हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, है ना। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan का स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा, ये हमारा क्या हो गया, RHS। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड था। इस क्वेश्चन से हम इस वीडियो को क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करें। ठीक, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।